तो गाइस आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ एंड आप लोग को न्यू एचडी फेस स्मूदिंग के ट्रिक लेके आए हूँ एंड यहाँ पे न्यू एचडी फेस स्मूदिंग सिखाने वाला हूँ। इस पिंपल वाले फेस को हम लोग स्मूदिंग करने वाले हैं कुछ इस टाइप से, देख सकते हो अभी हम लोग के फेस पे काफ़ी औसम तरीके से स्मूदिंग हुई है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक नया टूल यूज़ करने वाले हैं जिसके बारे में कोई यूट्यूबर आप लोग को नहीं बताया होगा अभी तक, एंड वो टूल काफ़ी औसम तरीके से स्मूथ करता है फेस को। एंड आप लोग भी जानना चाहते हो कुछ इस टाइप से फेस स्मूदिंग करना एंड यहाँ पे ये पिंपल वाले फेस को कुछ इस टाइप से करना अपने फेस को, तो गाइस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने रहो, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा कौन सा टूल है वो आप लोग को सब कुछ इजी स्टेप में बताऊंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो है हम लोग की, कितनी यहाँ पे पिंपल आप लोग को दिख रहे हैं। तो गाइस ये सबको हटाऊंगा एंड यहाँ पे सबको हाइड करके दिखाऊंगा ये पिंपल वाला फेस गलत है एंड इसको हम लोग सही करेंगे फेस स्मूदिंग के साथ। एंड देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कैसे यहाँ पे फेस स्मूदिंग हम लोग के फेस पे दिख रही है। एंड आप लोग भी ये अपने फेस पे ट्राई करना चाहते हो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहो, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस टाइप की फेस स्मूदिंग सीख सकते हो आप लोग भी खुद से एंड यहाँ पे ओरिजिनल वाली फोटो पे आ जाते हैं। तो देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो पे आ चुके हैं हम लोग एंड आपको मैं आप लोग को बहुत ही इजी स्टेप बताने वाला हूँ एंड बहुत ही फ़ायदे होने वाले इस वाली वीडियो से आप लोग को। बहुत सी यूट्यूब पे आप लोग ने वीडियो देखी होगी बट सही तरीके से आप लोग को फेस स्मूदिंग की ट्रिक कोई नहीं बताया होगा। तो गाइस आज की वीडियो मेरी पूरी वॉच करो, आप लोग को बहुत फ़ायदे होने वाले जिससे आप फेस स्मूदिंग भी सीख सकते हो एंड पी सेट भी पेस्ट कर सकते हो एंड इसके बाद एडिटिंग भी कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो मेरे फेस पे कितने पिंपल दिख रहे हैं, ये सबको हटाऊंगा एंड यहाँ पे आप लोग को बिफोर आफ्टर दिखा दें कैसे यहाँ पे एडिटिंग हुई है। तो देख सकते हो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर किस टाइप से हम लोग ने फेस को स्मूथ कर दिया एंड काफ़ी औसम लग रहा है फेस, तो उस टाइप का आप लोग भी करना चाहते हो तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनो। एंड यहाँ पे हम लोग फोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में। तो गाइस यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केच बुक में आप लोगों को भी फोटो शेयर कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो गाइस देख सकते हो फेस पे भी हम लोग कुछ इस टाइप से, तो गाइस आप लोग खुद ही देख लो यहाँ पे फेस पे कितने पिंपल है। आप लोग को मैं यहाँ पे रियलिटी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पिंपल को हाइड करना भी मैं सिखाऊंगा आप लोग को कैसे हाइड किया जाता है। तो गाइस आप लोग क्या करते हो, सीधे से आप लोग टूल सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आप लोग के ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो, तो ड्रॉ नहीं किया जाता गाइस, आप लोग को टूल सेलेक्ट करना होता है। टूल पर हम लोग पहले क्लिक कर लेते हैं, टूल सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा टूल है। आज एक न्यू टूल के बारे में बताने वाले हैं, तो कौन सा वो न्यू टूल है उसके बारे में जानो एंड उसको यूज़ करो। तो ये देख सकते हो लास्ट वाली का सेकेंड वाला टूल है, पहले तो हम लोग ये वाला टूल यूज़ कर रहे थे गाइस, ये आप लोग यूज़ कर रहे थे। उसके बाद गाइज आप लोग ने बोला क्यों कुछ नया लाओ, तो गाइज आज मैं एक यही टूल दे रहा हूँ। इसके बगल वाला टूल देख रहा हो आप लोग, ये वाला टूल आप लोग इसको यूज़ करो एंड ये भी काफ़ी औसम तरीके से वर्क करता है। तो गाइज कौन सा, ये वाला टूल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइज इसको भी आप लोग यूज़ करो, ये काफ़ी औसम तरीके से स्मूदिंग करता है, सबसे बेस्ट स्मूदिंग तो यही करता है गाइज। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग स्ट्रेंज आप लोग को दिख रहा होगा एंड यहाँ पर टाइप ब्रश दिख रहा होगा, तो क्या करते हैं ब्रश टाइप पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप लोग स्मूदित कर लेते होंगे। स्मूदित करने के बाद फ्लो को आप लोग कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे एंड स्ट्रेंच को आप लोग कुछ इस टाइप से चेंज कर देंगे। तो गाइज़ आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये चीज़ मेन रहता है, इसको आप लोग फॉलो कर लें तो आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं स्मूदिंग करने से पहले क्या करता हूँ, फेस को गोरा करता हूँ, तो फेस को गोरा बाद में कर लेते हैं बट यहाँ पे पहले स्मूदिंग सीखते हैं। तो गाइस फेस स्मूदिंग कैसे करी जाती है स्टेप बाय स्टेप बने रहो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे एडिटिंग करी जाती है फेस के ऊपर एंड आप लोग बहुत ही इजी स्टेप में फेस की स्मूदिंग सीख जाओगे एंड कुछ इस टाइप से आप लोग भी फेस पर अपने ड्रॉ कर लेना। तो गाइस जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी ड्रॉ करो एंड स्टेप बाय स्टेप करो जो आप लोग को मेरे साथ इजी पड़े एंड यहाँ पे आप लोग इस टाइप की स्मूदिंग कर सको, क्योंकि देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी औसम तरीके से स्मूदिंग हो रही है एंड मेरे फेस पे जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक था वो भी नहीं आ रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदिंग मैं कर रहा हूँ। एंड आप लोग भी ये टूल यूज़ करके कुछ इस टाइप से स्मूदिंग करो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे मैं स्मूदिंग करूँ वैसे आप लोग भी करो, क्योंकि मैं मेन मेन ट्रिक ला के देता हूँ आप लोग को जैसे फेस स्मूदिंग किया जाए। एंड देख सकते हो ये वाला टूल है, इसी के ऊपर हम लोग ने स्मूदिंग करी है एंड देख सकते हो फेस काफ़ी औसम तरीके से स्मूद हो रहा है, फेस कहीं दाग नहीं आ रहा है एंड यहाँ पे कहीं ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहा है एंड फेस काफ़ी औसम तरीके से स्मूदिंग हो रही है। एंड देख सकते हो फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ये टूल, आप लोग भी ये टूल यूज़ करो एंड इस टाइप की स्मूदिंग करो। स्मूदिंग के बाद बहुत सी आप लोग को ट्रिक पता चलने वाली है, तो वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बनो एंड आप लोग को सब कुछ लास्ट तक मैं बताऊँगा कैसे एडिटिंग करी जाती है। एंड देख सकते हो मेरे फेस पर काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदिंग हो रही है एंड ये टूल यूज़ करके मैंने स्मूथ कर लिया अपने फेस को। तो गाइस मेरे साथ ही साथ आप लोग भी स्मूदिंग करते हो तो कुछ इस टाइप से स्मूदिंग हो जाएगी आपके भी फेस पे एंड मैं यहाँ पे आप लोग को इसी वजह से दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो नेक पे कितना यहाँ पे पिंपल एंड बेकार सा लग रहा है, तो गाइस इसको सही करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग को यही टूल यूज़ करना होगा एंड यहाँ पे मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। एंड वीडियो में आप लोग को ऐसी ही वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना,
वीडियो में आप लोग को कुछ नया और चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना, मैं आप लोग को सब कुछ सिखा दूंगा और कुछ भी नया मैं ला के दे देता हूँ, आप लोग उसको भी देख के अपनी फेस स्मूदिंग सीख सकते हो। है तो बहुत बहुत इजी स्टेप जिससे आप कुछ इस टाइप से स्मूदिंग कर सकते हो, बट आप लोग करना नहीं चाहते, तो आप लोग करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आप लोग के लिए वो ट्रिक ला के दे दूंगा जिससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदिंग कर सकते हो। तो गाइस फोटो को सेव कर लेना, सेव करने के बाद लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेना जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो गाइस आप लोग को एक पीसेट देने वाला हूँ, तो पीसेट की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये पीसेट है, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग एंड इसका कॉपी सेटिंग कर लेना। कैसे कॉपी सेटिंग करा जाता है देख सकते हो, ये मैं कर रहा हूँ कॉपी सेटिंग, इसको कर लेना। इसके बाद बैक अपनी फोटो पे आना, बैक फोटो पे आने के बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे पेज सेटिंग का एक ऑप्शन दिया हो तो पेज सेटिंग कर लो। पेज सेटिंग करते हैं, यहाँ पे आप लोग की फोटो में काफ़ी औसम तरीके से एडिटिंग हो जाएगी जो कोई नहीं बताया होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं ट्रिक हमेशा आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ जो आप लोग करना चाहते हो, बहुत ही इजी स्टेप में वन ही क्लिक में फोटो एडिटिंग हो जाती है। एंड ज़्यादा फेस को वाइट करना है, ऑरेंज वाले पे आओ एंड इसका सैचुरेशन और माइनस कर दो एंड आपका और फेस वाइट हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये ट्रिक थी एंड इसको यूज़ करके आप लोग कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो अपने फेस की जो यहाँ पे मैंने करी है। एंड आप लोग को बहुत ही इजी स्टेप मैंने बताए हैं जो आप काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूदिंग पे वर्क कर सकते हो। एंड स्टेप बाय स्टेप मेरी तरीके से स्मूदिंग करना चाहते हो जैसे मेरे फेस पे हुई है, तो गाइस मेरे साथ ही साथ करते हो तो कुछ स्टेप से स्मूदिंग आप लोग के फेस में हो जाएगी। एंड मैं ये रियल ट्रिक बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताया होगा एंड आप इसको यूज़ करो, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क। तो गाइस आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।